हम लगाने वाले ये वाइट रंग का साइड शू स्टैंड जो कि उसको अच्छा सा सपोर्ट देगा और उसको लगाने का प्रोसेस जो वो चेकआउट है। ये रहा यू नो स्टैंड साइड शू और यहाँ पे लॉक टाइप का जो है एडहेसिव दिया गया है ताकि आप इसको डाल के जो स्क्रू का अगर साइड लॉक करते हो तो वो आसानी से खुलेगा। सो फाइनली लगा दिया अपने ये वाइटेरा का जो साइड स्टैंड एक्सटेंडर है या फिर साइड स्टैंड शूज सब कह सकते हैं लगा दिया। अभी क्या होगा अगर हम लोग किसी भी सैंड या किसी गतिले इलाके में अगर आप पार्किंग करते हैं तो इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए ये धंसेगा नहीं ज़मीन पर, जैसे कि बिना इसके अगर मैं करता तो ये धंस जाता। सो यार दैट्स व्हाट द ग्रेट प्रोडक्ट इज। अभी हम इसका सैडल स्टे को लगाएंगे। तो फाइनली राइट साइड पुट दी वाइडरा साइडल से ये उन्होंने पूरे जो जो नट एंड बोल्स है वो सेट में भेजा है एंड साथ ही साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक डायग्राम भी भेजा है जिसके थ्रू वो प्रॉपर नंबरिंग से आपको बताते हैं कि कौन सा स्क्रू कौन सा एरिया की कौन सा साइड किस जगह पे जाएगा। तो इससे क्या होगा आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ कैसे लगाना है। तो यहाँ पे यह प्रोडक्ट एंड करने के बाद इसको लगाते हैं। दोनों तरफ के दो अलग अलग पार्ट्स हैं एंड इसमें बहुत सारे यू नो लेज़र कट होल किए गए हैं ताकि एक्यूरेट हो एंड अपने हिसाब से आप उसको ऊपर या नीचे सेटअप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोल्ड। तो ये कुछ इस प्रकार इसमें चला जाएगा एंड हम इसको जो अपने हाइट के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दो जो बड़े बड़े बोल्ड्स हैं ये जाएंगे आपके यहाँ पर, ये है यहाँ पर जो पॉइंट है ये वाला एक्सटेंडर, ये वाला बोल्ट खुल जाएंगे और इसके जगह पे ये घुस जाएगा विथ ये वाला बड़े वाले बोल्ट जो वाइट रहा लिखा रहता है वो हमेशा आएगा पीछे की तरफ, मतलब ताकि लोगों को ब्लाइंड दिखाई दे। तो आपको इसको ऐसे लेना है एंड देन इसको जो है इसको टाइट कर लेना है, फ्लेक्सिबल रखें ताकि आप अपने हिसाब से जो है सैडल स्टे जो आप उसको लगाएंगे तो सैडल स्टे का जो पोर्शन है वो आप उसको इस हिसाब से उसका फ्री रखें ताकि उसको आप एडजस्ट कर पाए। अभी हम लोग जो है लगाएंगे इस चीज़ को, यहाँ पे दो एलन बोल्ट है, यहाँ पे दो एलन बोल्ट है, इसको खोल के जो है हमें इसको ऐसे लगाना है एंड देन जो फाइनल पार्ट है वो सैडल स्टे का रैक यहाँ पे लगेगा। सो अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ऊपर की तरफ रहेगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से जाएगा एंड इसके ऊपर ये लगेगा एंड देन ये जो पार्ट है ये टक इन हो जाएगा अंदर की तरफ। तो कीप इट इन माइंड ये वाला पार्ट ऊपर है ये नीचे रहे और इसको इस तरीके से यहाँ पे फंसा दे लॉक कर दे। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये उन लोगों ने बोल्ट दिया है, अभी इसको अगर हम खोल लेंगे तो हमेशा याद रखें ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये हमेशा बाहर से लगेगा। सपोज़ मैंने मेरे को यहाँ पे डालना है तो मैं ये इसको ऐसे डालूँगा, उसके बाद जब मैं इसको उस साइड से लगाऊँगा तो पहले मैं ये ब्लैक वाले स्पेसर को यहाँ पर दूँगा एंड उसके बाद मैं इसके बोल्ट को जो है मैं इसको टाइटन अप करूँगा। सो इसको पहले यहाँ पर डालना है देन इसके बीच में ये स्पेसर देना है, उसके बाद इसको यहाँ पे डालना है एंड देन ये जो बोल्ट है इसको टाइटन कर देना है ताकि इससे वाइब्रेशन और छंड वाला जो आवाज़ है वो ना हो। सेम इसके लिए भी वही है, पहले
पहले बोल्ट, फिर उसके बाद ये स्पेसर, फिर इसको इसके अंदर डालेंगे, ये बोल्ट है, फिर इसको यहाँ पे ऐसे टाइट कर देंगे। तो हर एक इसके बीच में आपको एक स्पेसर देना है, जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे दिया है, इनफैक्ट आप यहाँ पे भी देख लो, ऐसे आपको स्पेसर देना है। उसके बाद इसके जो नट्स एंड बोल्ट्स है उसको टाइट करना है। सो देखो, आपको एक स्क्रू यहाँ लगाना है, एक स्क्रू यहाँ लगाना है, एक स्क्रू यहाँ भी लगाना है, और दो यहाँ पे लगाना है ताकि सपोर्ट मिले। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोना लुक। बहुत ही यू नो सिंपल सा डिज़ाइन है। अभी हम लोग इसको जो है इस तरफ भी लगाने वाले हैं इसके साथ। फाइनली वायर टेरा का जो ये सैडल स्टे है वो लगा दिया है। दो स्क्रू यहाँ पे, एक बोल्ट यहाँ पे और दो बोल्ट यहाँ पे। अभी इस सारे को जो है टाइटन करना है अच्छे से ताकि ये हिले नहीं, एंड स्पेसर के कारण जो है ये वाइब्रेशन नहीं होंगे। फाइनली बैक ऑन द रोड, आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स दैट रोड, सो थॉट ऑफ व्हाई नॉट टू एंड द वीडियो ओवर हियर इन द मॉर्निंग। सो यस, दिस इज द ऑल अबाउट वायर टेरा सैडल स्टे, इसको लगाने का वीडियो मैंने आपको दिखा दिया। इसका जो डिज़ाइन है, एक यहाँ पे जॉइंट है एंड और एक जो जॉइंट है वो बस इस लोकेशन पे है, दैट्स इट एंड यू आर डन। इनका ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है कि यहाँ से एक सपोर्ट जाएगा, नीचे से एक सपोर्ट जाएगा, पीछे से जाएगा, तो उसका इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। दे हैव मेड अ वेरी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन एंड दिस इज़ व्हाट आई लव, कि इसका जो स्पेसर इन्होंने जो दिया यहाँ पे, इट इज़ प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट रोल, इससे वाइब्रेशन वगैरह नहीं होते हैं। साथ ही साथ इनके जो ये नट्स एंड बोल्ट्स के जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छे वाले हैं, ड्यूरेबल वाले हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक बस ये दो सपोर्ट है जिसकी वजह से ये जो पूरा स्टडी बन चुका है, मतलब यहाँ से अगर आप इसको पुश करोगे तो ये किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं करेगा। तो नो मैटर आप कितना भी लोड यहाँ पे देते हो, ये कभी इस तरफ नहीं जाने वाला। सो दिस इज़ व्हाट आई लव्ड इट। एंड यहाँ पे है आपका वायर टेरा का जो साइड स्टैंड शू, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक मडी सरफेस पर रखा हूँ, लेकिन ये बाइक जो है मेरा धस नहीं रहा। अगर ये सिंगल स्टैंड जो ये ओरिजिनल वाले जो स्टॉक स्टैंड होते हैं, अगर ये होता तो आई एम प्रीटी श्योर ये यहाँ से, क्योंकि इसका सर्विस एरिया पतला था तो ये नीचे दब जाता। बट हालाँकि वायर टेरा का ये जो स्टैंड है काफ़ी मोटा है और काफ़ी सर्विस एरिया कवर कर रहा है, तो इसके वजह से ये नीचे नहीं धस रहा है। एंड इनका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, आप इसको कितना भी रोड पर रगड़ लो, इसका नीचे का जो बैक पार्ट्स है वो जल्दी से घिसते नहीं है। सो यस, फॉर दिस आई चोज वायर टेरा। एंड ऑब्वियसली वायर टेरा का जो सैडल स्टे है वो तो ऑब्वियसली दिखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट और सोफिस्टिकेटेड और मतलब मिनिमलिस्टिक वाला डिज़ाइन इन्होंने बनाया है। सो यस, अपकमिंग जो वीडियो है वायर टेरा सैडल बैक कॉन्डोर 2 अप के ऊपर होगा, वो मैंने क्यों लिया, वाई आई चोज कॉन्डोर 2 सैडल बैग ओवर अदर सैडल बैग्स, एंड वो इसमें किस तरीके से फिट आता है एंड उसके क्या क्या खास फीचर है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड कितना वाटर प्रूफ है वो भी कंपनी जो क्लेम करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो यह गाइस, विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, रहे सब। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो पे, अगले वीडियो विद कॉन्डोर 2 अप सैडल बैग के साथ होगा, जो आपको ऑब्वियसली आई थिंक इट शुड बी वॉच्ड बिकॉज आपको एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चलेगा। सो या, विद ऑल दैट सेड, बाय बाय, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो पे, टेक केयर।